अम्मा वो मालदार बेवा के रिश्ते का क्या बना? इनकार कर दिया उन्होंने। इतनी बदसूरत लड़की ने मुझे इनकार कर दिया? इतनी मुश्किल से मैंने अपने दिल को मनाया था उसे शादी करने के लिए, ये क्या तरीका है? जी हाँ, इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि लड़के की वजाहत का अचार डालना है, लड़का कमाता कुछ नहीं। तो कमाता होता तो उनकी जिनजादी से शादी करता मैं। कि यार ये लालची दुनिया है। एक और रिश्ता भी है मेरे पास। मालदार यतीम और बेसहारा है। यतीम और बेसहारा तो मैं भी हूं, मैं उसका क्या करूंगा? देखा मात, मैं तंग आ गई। तू शादी कर ले, हो सकता है आने वाली के नसीब से तुझे नौकरी मिल जाए। अरे मेरी खिदमत करने वाली भी कोई घर में आ जाए। एक तो तेरी भाभी की बातें सुनूं, ऊपर से उसका फूहड़पन भी झेलूं मैं। माँ मेरी बात सुन, अगर कितना ही मसला है तो कोई काम करने वाली रख ले। इस तरह की लड़की से शादी करके क्या फायदा होगा? पैसे तो जैसे तेरी जेब से जाते हैं ना, और जो 4 पैसे तेरे बाप की पेंशन और किराए के आ रहे हैं वो मैं बर्बाद कर लूं, लेकिन तू कोई काम ना करना। ये लड़की देखो, ये बता कैसी है लड़की? अरे यहाँ मोबाइल ले लिया आपने? अपने बेटे की हालत देखें, मेरे मोबाइल की हालत देखें। मैं अगले महीने नया मोबाइल लूंगा, देखना। अच्छा चुप करके ना लड़की की तस्वीर देख, तस्वीर देख। आपको अपनी फिक्र है, अपने बेटे की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मैं बाहर निकलता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं कि तुम किस घर से आते हो। हालत देखो अपनी। मैं अपने घर वालों को देखता हूँ तो टच स्क्रीन मोबाइल लेके फिर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगले महीने आप मुझे दिलाएंगी नया मोबाइल, और वो भी टच स्क्रीन। अच्छा ठीक है, तू हाँ बोल, फिर देख मैं तुझे नया मोबाइल दिला दूँ। वादा? वादा। अम्मा ये मेरे लिए हाँ बोल देगी? देखिए मेरा जो भाई है ना, वो बहुत लाड प्यार से पला बढ़ा है, और उसका मिजाज बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए लड़की वाले हमसे दब के रहेंगे, मुझे इस बात की गारंटी चाहिए। बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? सफेद पोश लोग हैं निभाने वाले, आप बस तैयारी करें। उन्होंने हाँ कर दी है। बाजी कहाँ है? बाजी वो पोल में।